भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत जोड़ो, नफरत जोड़ो, भारत जोड़ो, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिंदाबाद, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस जिंदाबाद, नफरत जोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत जोड़ो, भारत जोड़ो, जोड़ो, भारत जोड़ो, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मेनका गांधी जिंदाबाद, रमन पल्ला जिंदाबाद, रमन पल्ला जिंदाबाद, श्री दिनेश सुंदरियाल सर जिंदाबाद, श्री दिनेश सुंदरियाल सर जिंदाबाद, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, रमन पल्ला जिंदाबाद। हमें बहुत खुशी है पूरे देश में जो राहुल गांधी की यात्रा जो चलकर जम्मू कश्मीर में पहुंची है, कन्याकुमारी से शुरू हुई है तो कश्मीर तक जाएगी। और मैं राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस जम्मू कश्मीर का स्टेट का प्रेसिडेंट शशि सियाल इस यात्रा से बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि जो मुद्दे लेकर जब पूरे देश को जोड़ने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी द्वारा पैदल पैदल किया जाया जा रहा है, जैसे पूरे देश में धर्मों पर या भ्रष्टाचार पर पूरा देश जो है अब उलझ रहा है, आग में सुलझ रहा है, लेकिन उस आग में सुलझे हुए लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को मिलाने के लिए और सभी मजदूरों को साथ लेकर जितने भी मुद्दे लोगों के हैं, जैसे गरीबी का है, महंगाई का है, मजदूरों का, जितने भी मुद्दे हैं इस देश के, उस देशों को लेकर, उन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनका वेलकम करते हैं, उनके वेलकम के लिए हमारी पूरी इंटरव्यू जम्मू कश्मीर की वो अब राहुल गांधी के स्वागत के लिए खड़ी है। शहजाद शाह यूथ प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर इंटक, आज हम यहाँ अपनी पूरी टीम के साथ राहुल गांधी जी का स्वागत करने यहाँ आए हुए हैं। जो मुद्दे, जो जिन बातों को वो लेके चले हैं, हमारा यही कहना है कि आप चलिए, हम आपके साथ हैं। बाकी हम आप जो ये नफरत की ये जो राजनीति आज चल रही है, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस देश को आगे ले चलें। जब तक हम सब इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हम विश्व गुरु को क्या हम कुछ भी नहीं कर सकें। तो मेरी आप सब लोगों से यही अपील है और उम्मीद है कि हम सब इस यात्रा के साथ जुड़े और इस यात्रा को सफल करें। क्योंकि हम बड़े गुजार बेटे होंगे, हमारे जो है उन्होंने हमारे जो है हर ज़मीन है जो है जम्मू कश्मीर से उन्होंने अपने कदम रखे, हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये एक मौका है कि हम लोग अपनी जो है नफरत छोड़ के तो भारत को जोड़ें। ठीक है, मैं हूँ सर डिस्ट्रिक्ट पुंछ से, ठीक है, इंटेक का डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट हूँ। ठीक है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि हम सब लोगों को घर से निकल के, बाहर निकल के राहुल जी की यात्रा के साथ हमें चलना चाहिए। जो कन्याकुमारी से यहाँ तक आ चुके हैं, हम लोग क्या उनके लिए 10 कदम बाहर ही निकल सकते हैं? हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए घर से बाहर निकलें और यहाँ से हम उनके साथ कश्मीर तक जाएँ। जनरल सेक्रेटरी इंटर जम्मू कश्मीर, जो ये राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है, इसमें बढ़ चढ़ के हमारे जितने भी मजदूर हैं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और जो ये नफरत की दीवार गिराने की वो कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे जितना भी नीचे दर्जे का मजदूर दर्जे का लोग हैं वो सब इनके साथ हैं। जय जी। राहुल गांधी जी जो है ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आ रहे हैं। कन्याकुमारी से ये चले हैं और जम्मू कश्मीर तक आएंगे, इनको रास्ते में बहुत लोगों का सहयोग मिल रहा है। और मैं ये कहूँगा कि राहुल गांधी को, हर बंदे को चाहिए कि राहुल गांधी जी का साथ देना चाहिए, राहुल जी को सपोर्ट करनी चाहिए कि जिन्होंने इतने हजारों मील पैदल चल के आ रहे हैं। तो हर युवा को, हर जवान, हर बंदे को ये कहता हूँ कि राहुल जी के साथ जोड़िए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए, क्योंकि आने वाला भविष्य राहुल गांधी। धन्यवाद।